अभी हम क्या थ्योरम डिस्कस करेंगे, अकॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ सर्कमफ्रेंस। देखिए क्या है बेसिकली इसमें, मान लीजिए ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ठीक है। अब ये कॉर्ड इस सर्कल की इस वाले पोर्शन में जितने भी एंगल बनाएगी ना सर्कमफ्रेंस पे, सारे इक्वल होंगे। मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ऐसे ही ये भी थीटा होगा, ठीक है। एक कॉर्ड सर्कल की एक साइड पर सर्कमफ्रेंस पर जितने भी एंगल बनाएगी वो सारे इक्वल होंगे। उसी तरीके से यही कॉर्ड इस तरफ जो एंगल बनाएगी वो सारे भी इक्वल होंगे। मान लो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा हो जाएगा। ये कॉर्ड है ए बी, ये वही कॉर्ड है ए बी। मान लो ये पॉइंट है एम एन पी, ये पॉइंट है क्यू और आर। ये समझ आ गया आपको कि एक तरफ एंगल जितने ही बनेंगे वो इक्वल होंगे। दूसरी बात देखो, इस कॉर्ड के इस तरफ जो एंगल है और इस नीचे वाली तरफ जो एंगल है, इन ऑपोजिट एंगल का सम करूंगा तो क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये मैंने क्वाड्रिलेटरल में डिटेल में समझाया, वैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वैसे ही बता दिया आपको, ठीक है। एक थ्योरम ये हो गई कि एक कॉर्ड सर्कल के एक साइड पर जितने भी एंगल बनाएगी वो सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे। इस साइड वाले सारे एंगल इक्वल और नीचे वाली साइड वाले सारे एंगल भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करनी है हमने, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये सर्कल, ये टेंजेंट। अब मान लीजिए ये कॉर्ड है, लेट्स से कॉर्ड इज ए बी और ये टेंजेंट क्या है, पी क्यू। अब एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल मान लो थीटा है। अब ये वाली कॉर्ड सर्कल के इस वाली साइड में जितने भी एंगल बनाएगी वो सारे भी थीटा होंगे। ये एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इसको मैं और कहता हूं, मान लो मैंने यही सर्कल दोबारा बनाया, यही कॉर्ड दोबारा बनाई, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ये पी, ए क्यू। अब मैं क्या कहता हूँ, मान लो मैंने इधर से भी एक कॉर्ड बना दी, ये है सी। अब सपोज कर लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा, ये वाला ए बी के साथ एंगल थीटा बन रहा, तो ए बी इधर जितने भी एंगल सबटेंड करेगी वो सारे क्या होंगे, थीटा होंगे। मान लो ये एंगल क्या है, अल्फा। अब ये एंगल कितना है, अल्फा। अल्फा किसके बीच में बन रहा है, बी सी और पी क्यू के बीच में। तो अगर बी सी और पी क्यू के बीच में एंगल अल्फा बन रहा है तो जो बी सी है वो जितने भी एंगल बनाएगी वो सारे क्या होंगे, अल्फा होंगे। क्लियर है, लॉजिक भी देख लेते हैं। मान लो ये वाला एंगल मेरा है लेट्स से एक्स, तो अब यहाँ से क्या है, अल्फा प्लस एक्स प्लस थीटा, स्ट्रेट लाइन है ना, एक लीनियर ट्रिपलेट हो गया, ये भी 180, और अल्फा अल्फा प्लस एक्स प्लस थीटा, ये भी 180। यहाँ से कैसे आ जाएगा, ट्राइंगल प्रॉपर्टी से, यहाँ से कैसे आ जाएगा, लीनियर ट्रिपलेट प्रॉपर्टी से। ये मेन थ्योरम थी। अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे।